नागपुर और नागपुर ग्रामीण में बढ़ते यातायात को देखते हुए महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और महाराष्ट्र राज्य रेल मंत्रालय इनके संयुक्त तत्वाधान में नई रेल परियोजना के तहत आरओबी ब्रिज अंडरपास बनाने का काम जारी है। इसी क्रम में शहर के कड़वी चौक से लेकर कोलीवार चौक तक नए ब्रिज का निर्माण किया जाने वाला है, जिसका भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर महारेल के अधिकारी पदाधिकारी और शहर के नागरिक मौजूद थे। महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और महाराष्ट्र राज्य रेल मंत्रालय इनके संयुक्त तत्वाधान में महाराष्ट्र और विदर्भ को रेल लाइन को गतिशील बढ़ावा मिले इसके लिए योजना के तहत कामकाज बड़े पैमाने पर हो, इसलिए आज शहर के कड़वी चौक से लेकर कोलीवार चौक दरमियान बनाए जा रहे नए उड़ान पुल का भूमि पूजन कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ऊर्जा मंत्री नितिन राउत तथा महारेल के अधिकारी पदाधिकारी इनकी प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। पूरे भारत वर्ष में नागपुर की अपनी एक अलग पहचान है। नागपुर की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ने से यातायात भी बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को अपने गंतव्य स्थान में जाने के लिए विलंब होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नए उड़ान पुल का निर्माण हो रहा है। महारेल एक जॉइंट वेंचर है जो महाराष्ट्र और रेल मिनिस्ट्री के आय से बना है। इस कंपनी का काम महाराष्ट्र राज्य में नई रेल परियोजना को पूरा करना है। नई रेल बनाना, नई ट्रैक बनाना, स्टेशन बिल्डिंग, आरओबी ब्रिज अंडर पास, ये सब बनाने का काम है। सन 2018 में महारेल की स्थापना हुई है। आज तक महारेल के पास महाराष्ट्र राज्य में तकरीबन 72 आरओबी का काम है। पुणे नाशिक हाई स्पीड का काम शुरू है, ठीक वैसे ही नागपुर नागबेड़ का गैस कन्वर्जन और डबल लिंक का काम चालू है। इस योजना के तहत कड़वी चौक से लेकर गोलीबार चौक और मेयो हॉस्पिटल तक ब्रिज बनाना चालू है, जिसकी लंबाई तकरीबन 800 मीटर है और इससे टू लेन बनाई जाएगी। साथ ही साथ मोमिनपुरा के शमशान के बाजू से अंडरपास बनाया जाने वाला है। कामठी से आने वाले यातायात को डायरेक्ट इतवारी तक आने के लिए यह कनेक्शन मददगार साबित होगा। महारेल महाप्रबंधक राजेश जायसवाल ने कहा कि रेलवे लाइन का विकास करना है। हाईवे रेलवे का विकास बहुत ही कम हुआ है। महाराष्ट्र रेलवे का विकास जो होना था वो नहीं हो पाया है। महत्व जो है वो रेलवे लाइन का विशेष करके विकास करना है हमारे महाराष्ट्र राज्य में। आप सबको मालूम होगा कि चार मोड होते हैं ट्रांसपोर्ट के, एक हाईवे रोडवेज, दूसरा रेलवे और तीसरा आपका एविएशन है और चौथा पानी के द्वारा या सी के द्वारा हम लोग ट्रेवल करते हैं। एनर्जी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि एनर्जी हमें बचाई जाए, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मैं एक कंपेरिजन बताऊँगा आपको, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेलवे में जो एनर्जी कंज्यूम होती है ट्रांसपोर्ट करने में, उससे करीब 5 गुना एनर्जी रोड से लगती है और 10 गुना एनर्जी सिविल एविएशन में लगती है। महाराष्ट्र में 90 उड़ान पुल बन रहे हैं, जिसमें से विदर्भ में 30 उड़ान पुल बनाए जा रहे हैं। मुंबई में भी केबल स्टेट ब्रिज का काम महारेल को सौंपा गया है। नागपुर विदर्भ का प्रमुख स्थान है। 225 रेलवे यात्री और 200 मालगाड़ी का आना जाना रहता है। इस भूमि पूजन प्रोग्राम में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कामों की तारीफ की। महारेल के कार्यों की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री इन्होंने महारेल की पूरी टीम को बधाई दी। विकास काम करते हुए नेचर का भी ध्यान रखना होगा। जहाँ पर जंगल होगा वहाँ पर उसे वैसे ही रहने देना होगा और रेल को अच्छा बनाने में सबका सहयोग जरूरी है। केंद्र और राज्य इन्हें एक आकर देश और राज्य में काम करना जरूरी है। राज्य और देश को विकास की ओर ले जाए, यही समय की मांग है। ऐसा अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने जानकारी दी। उगाचच आपलं कौतुक करत नाही, पण मला ते दिवस आठवतात की जेव्हा आपलं युतीचं सरकार महाराष्ट्रात आणलं, मुंबई आणि पुणे ही दोन महत्वाची शहर, आता तर तुम्ही त्याच अंतर आणखी कमी करतात। माननीय शिवसेना प्रमुखाने एक इच्छा व्यक्त केली, तुम्हाला बोलवलं आणि सांगितलं की मला असा सरळ रस्ता पाहिजे की माझी दोन्ही शहर महाराष्ट्रातली ज्याला चार चार पाच पाच सहा सहा तास लागायचे, ट्राफिक जाम व्हायचा, रस्ता अपुरा पडत होता, तो दोन तासात पूर्ण झाला पाहिजे। एक स्वप्न पाहणं मुळामध्ये त्याच्यामध्ये सुद्धा एक धाडस लागतं आणि स्वप्न प्रत्यक्षात आणणं हे त्यापेक्षाही मोठं कर्मकठीण काम
करायला अधिक मोठं धाडस करत होतो. दुसरा एखादा असता ना तुमच्या जागी, तर तो म्हणाला असतो असतं की जरा बघतो मी कसं काय शक्य आहे, काय होणार, कसं होणार, पण तुम्ही तात्काळ सांगितलं मी करतो आणि करून दाखवलं. आता तीच एक तुमची ओळख तुम्ही देशभरामध्ये आपल्या कर्तृत्वाने निर्माण करत आहात आणि त्याच्याबद्दल मला तुमचा एक अभिमान आहे. नक्कीच तुम्हाला मी पुढच्या वाटचालीसाठी आणि वाटचाल सुद्धा ज्या गतीने तुम्ही तुमचं काम करताय तशी गतिमान व्हावी अशी शुभेच्छा देतो. महारेल का काम काफी सराहनीय है. दोनों पक्ष एक आकर विकास का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है. ऐसी जानकारी अशोक चौहान इन्होंने दी. रस्ते चांगले आहेत, कोकणा पुला आहे, हाई स्पीड ट्रेन्स आहेत, बुलेट ट्रेन्स आहेत. याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सुद्धा मागे राहू नये, भारत वर्षाचा आपला देश सुद्धा मागे राहू नये ही महत्वाकांक्षी इच्छा सर्वांच्या मनामध्ये आहे आणि महारेल या स्वप्नांची पूर्तता करण्याच्या बाबतीमध्ये त्यांनी दाखवून दिलंय कशा पद्धतीने. मग तो विदर्भातला भाग असो, आरोग्याचं काम असो, किंवा नाशिक पुण्याचा मार्ग असो आणि आता ही जी कामं हाती घेतलेली आहे ती खरोखरच आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे गुणात्मक बदल त्याच्यामध्ये वेळेवर काम होणं हे अतिशय महत्वाचं आहे आणि या दोन्ही कामामध्ये महारेलनी आपली निश्चितच गती कायम ठेवून चांगल्या दर्जाची कामं. कड़वी चौक से लेकर गोलीबार चौक फ्लाईओवर का ई भूमि पूजन गडकरी के हाथों किया गया. कड़वी चौक से लेकर गोलीबार चौक का ब्रिज का निर्माण तंत्र ध्यान के उपयोग से किया जा रहा है. शहर में और चार फ्लाईओवर बनने का काम जारी है जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी इन्होंने किया. फाटक नंबर 73, 69, 34, 33 वाठोड़ा, पार्डी, उमरेड, भीमापुर आदि रेल फाटक के पास ब्रिज बनने जा रहा है. इस मौके पर महापौर दयाशंकर तिवारी इन्होंने जानकारी दी तथा महारेल और नितिन गडकरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कामों की प्रशंसा की. नागपुर को जोड़ने वाली धुरी के रूप में यह हमारा मोतीबाग का एरिया हमेशा से रहा है. इसका अंडरपास और उस अंडरपास के पास होने वाला ट्रैफिक कंजेक्शन ये हमेशा से एक बड़ी समस्या इस परिसर के लिए रही है. इस समस्या का निराकरण करने के लिए नागरिकों ने नितिन जी से निवेदन किया था कि आप और एक अंडरपास बना दें, लेकिन नितिन जी ने अपनी नित्य नूतन संकल्पना के आधार पर एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस मार्ग से इस कामठी रोड को सीधा सीधा रेलवे स्टेशन से जोड़ने का काम नितिन जी की संकल्पना के माध्यम से हुआ. उसी दृष्टि से गोलीबार चौक तक जाने का मार्ग भी सुगम हो गया और किसी प्रकार की ट्रैफिक की अड़चन के बगैर. माननीय नितिन जी ने संपूर्ण निधि केंद्रीय CRF फंड से 146 करोड़ रुपए की इस प्रकल्प के लिए मंजूर की है, इसलिए मैं हृदय से नितिन जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूँ और नागपुर नगरी के महापौर की हैसियत से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ. प्रमुख सन्मान्य मुख्यमंत्री ज्यांनी आपलं उद्घाटन केलं आणि त्याच्यामध्ये त्या कार्यक्रमाला सुप्रिया सन्मान्य उद्धवजी ठाकरे साहेब, बांधकाम मंत्री सन्मान्य अशोक चव्हाण साहेब, जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितीन राऊत, इथे असलेले खासदार तुमानेजी, माननीय महापौर, सगळे विधानसभा सदस्य, उपस्थित बंधू भगिनी मित्रांनो, आजच्या या कार्यक्रमाला मी आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी इथे आलो आणि हे सगळं पाहिल्यानंतर आवर्जून एक गोष्ट तुम्ही आम्ही मान्यच करू की नितीनजीच्या कल्पनेतनं विकासाच्या कामाची गती कशी असते हे ते राज्याचे ज्यावेळेस बांधकाम मंत्री होते त्यापासून पाहताना त्याचा उल्लेख राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून केलेलाच आहे. इस प्रोजेक्ट के लिए 146 करोड़ की निधि गडकरी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके प्रयासों से की गई है. राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने अपने भाषण में महारेल के कामों की सराहना की. शहर में बन रहे ये चार ब्रिज लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी. रेल मंत्रालय और PWD में अच्छी बातों का समन्वय होना बेहद जरूरी है जो हमने कांग्रेस के शासन में किया था. नागपुर नागभीड़ ब्रॉडगेज बनने से यातायात का प्रॉब्लम छूट सकता है. तो धन्यवाद देना चाहूंगा नितिन गडकरी जी को कि उन्होंने नागपुर के विकास में एक पहल लेकर यहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम महारेल के द्वारा आयोजित करने में
अपने कर्तव्यगारी के साथ साथ उन्होंने एक इच्छा भी व्यक्त की कि नागपुर और उसके विदर्भ के सारे रास्ते मैं मेरे विभाग से पूरे करके सब इलाकों के साथ जोड़ूंगा, और उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया है। मुझे याद है वह दिन जिस वक्त दिवंगत मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और पहली बार हमने आरडीपी का प्रोजेक्ट इस नागपुर के लिए मंजूर कराया था 350 करोड़ का, जिसमें यहाँ के रास्ते और चौक यहाँ पे बड़े पैमाने पे डेवलप हुए। अपने भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत सरकार और राज्य के ऊर्जा विभाग उपलब्ध कराए गए निधि पर संतुष्टि जाहिर की। सांसद कृपाल तुमानी, विधायक राजू पारवी, महारेल आदि के कामकाजों को लेकर उन्हें बधाई दी। महारेल के महाप्रबंधक राजेश जायसवाल, इनके द्वारा बनाए गए आरओबी डिजाइन की सराहना की। नागपुर ब्रॉडगेज मेट्रो बनने से लोगों के समय की काफी बचत होगी। महाराष्ट्र के फॉरेस्ट की अनुमति मिलती है तो और भी ओवरफ्लाई आरओबी बनाए जा सकते हैं। इसके लिए नितिन राउत इन्होंने सहयोग करना चाहिए। महाराष्ट्र का विदर्भ पिछड़ा है, इसके लिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नागपुर के लिए भी 25,000 करोड़ रुपए निधि दिया है। ऐसी जानकारी भाषण के दौरान नितिन गडकरी इन्होंने दी। अरे उपस्थित सर्व मान्यवर, सर्वप्रथम मी आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की आपल्या इथे जी छोटी लाईन होती नागपूर ते उमरेड, त्याचं ब्रॉडगेजचं काम आता सुरू झालेलं आहे। या कामामध्ये भारत सरकारने जसे पैसे दिले आहेत तेवढेच पैसे महाराष्ट्राच्या ऊर्जा विभागाने पण दिलेले आहे, आणि या दोघांच्या पैशामधून पंजाब नॅशनल बँकेचं जवळपास 800 रुपये कर्ज आणि त्यातून महारेल हा प्रकल्प पूर्ण करत आहे। या प्रकल्पाला ऊर्जा मंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनी पण जे सहकार्य केलेलं आहे त्याबद्दल मी त्यांचे देखील मनापासून आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो। नागपुर में बढ़ती लोकसंख्या और बढ़ती यातायात को देखते हुए शहर में बन रहे फ्लाईओवर अंडरब्रिज काफी मददगार साबित हो सकते हैं, जिससे शहर की सुंदरता में चार चांद लग सकते हैं। कड़वी चौक से कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ संजय मिरे, BCN News नागपुर।